हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। आज का मेरा रेसिपी है मुड़ी घंटो। ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल सा बंगाली रेसिपी है और आज मैं इसे आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। कातला फिश का एक हेड लिया है जिसको बीच में से दो टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है और इसको अच्छे से वॉश करके रखा है। हाफ कप गोविंदभोग राइस, जिंजर पेस्ट 2 टीस्पून, एक तेज़पत्ता, 2 इंच का दालचीनी, 2 इलायची, 3 लौंग, 2 ग्रीन चिलीज, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, चीनी और नमक। सबसे पहले हेड पीस को हम नमक और हल्दी लगाकर अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। अब कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे हम और फिर हेड पीसेस को हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। जब एक साइड अच्छे से फ्राई हो चुका है, हम इनको टर्न करके दूसरे तरफ भी बिल्कुल अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और जब दोनों तरफ अच्छे से फ्राई हो चुका है, हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उस तेल में मैंने तेज़पत्ता ऐड कर दिया, लौंग, दालचीनी, इलायची, जिंजर पेस्ट भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इनको हम तेल में हल्का सा फ्राई कर लेंगे। गोविंदभोग राइस को मैंने अच्छे से धो लिया है और अब हम इसको तेल में ऐड कर लेंगे। और राइस को हम मीडियम फ्लेम पे, लो मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। फ्लेम को बीच बीच में लो करते रहे, राइस हमारा जलना नहीं चाहिए। 2 ग्रीन चिलीज स्लिट करके मैंने ऐड किया, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, चीनी 1 टेबलस्पून और नमक टेस्ट अनुसार, अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक डालें। सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स करके साथ में फ्राई कर लेंगे। राइस का कलर भी गोल्डन ब्राउन कलर का आ चुका है। अब हम यहाँ पे 2 कप पानी ऐड करेंगे। और ये पानी जब बॉयल हो जाए तो हेड पीसेस को हम इनमें ऐड कर देंगे।
पानी अच्छे से बॉयल हो चुका है, अब हम फ्लेम को लो मीडियम कर इसको कवर करके ऑलमोस्ट 10 मिनट तक पकाएंगे, जब तक राइस हमारा सॉफ्ट हो चुका होगा, अच्छे से बॉयल हो चुका होगा। अब हम गैस को ऑफ करके वापस इसको कवर करके 2-3 मिनट तक रख देंगे, और कवर निकालने के बाद हमारा मुड़ी घंटो बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।